गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम एब्सोल्युटली फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। एज यूजुअली आई वांट टू से समथिंग। देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या है, घरों पर ही रहना है, क्योंकि जो जो कोरोना वायरस है उसका जो ट्रांसमिशन है वो अभी तक भी जो है रुक नहीं पा रहा है। देखिए, हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है सेफ रखें, इसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने घरों पर ही रहना। ओके, लेट अस स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, डेट इज द, देखिए जैसे कि कल हमने बताया था आप लोगों को, हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर के बारे में, वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। देखिए जैसे कि हमने क्या कल आपके चैप्टर के बारे में बात किया था, यानी फूड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, यानी प्लांट से प्राप्त होने वाला फूड मटेरियल। आज हम बात करेंगे, देखिए, फूड ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। यानी देखिए, ऐसा फूड मटेरियल जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, हम उस खाने के बारे में बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वाली मिल्क, देखिए एनिमल से प्राप्त होने वाला जो सबसे ज्यादा मेन यूजफुल फूड मटेरियल है वो है मिल्क, यानी दूध। देखिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका दूध का प्रयोग, जिसके दूध को जो है हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लाइक काउ, बफेलोज, शी कैमल्स, गोट, शिप, दीस एनिमल्स आर आल्सो नोन एज मिल्च एनिमल। देखिए ऐसे एनिमल जिनका दूध जो है ड्रिंकिंग पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, यानी पीने के रूप कार्य में लाया जाता है, वो एनिमल कहलाते हैं हमारे मिल्च एनिमल, यानी दूध देने वाले जीव जंतु। ऐसे देखिए ये क्या है, गाय, भैंस, ऊंट, शी कैमल, यानी ऊंटनी, बकरी, भेड़, ये सब देखिए ऐसे एनिमल हैं जिनका दूध जो है हम एज ए फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। और देखिए जो मिल्क है वो अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट डाइट है, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या है, जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी मौजूद होते हैं। देखिए मिल्क जो है, जैसे कि आप जानते होंगे, जो इन्फेंट्स होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं, उनके लिए उनकी बॉडी क्या है, देखिए ग्रो कर रही होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंज, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या है, मिल्क यानी बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट फूड इज एग। देखिए एग्स भी हमें क्या है, एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे हैन, डक, देखिए ये ऐसे बर्ड्स हैं जिनका एग जो है ईटिंग पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी जो रेयरिंग होती है वो कहलाती है पोल्ट्री। पोल्ट्री और दीस आर आल्सो नोन एज पोल्ट्री बर्ड्स, यानी देखिए ऐसे 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 पक्षी जिनका अंडा क्या है खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है पोल्ट्री बर्ड्स, और इनकी जो रियरिंग होगी, इनकी जो फार्मिंग होगी वो कहलाती है हमारी पोल्ट्री, यानी कुक्कुट पालन इनको हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट इज मीट। देखिए हैन, कॉक,
जनरली क्या है, हम लोग जो है मीट यानी मांस का रूप भी खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे एनिमल जिनका मांस क्या है, जैसे कि देखिए हम बात करें बफेलो, और भी देखिए बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जैसे गोट, जिनका मांस जो है खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यानी हैन, कॉक, बफेलो, गोट, ये क्या है, ऐसे एनिमल हैं जिनके मांस को हम लोग यानी ह्यूमन बीइंग्स जो है एज ए फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज हनी। हनी बीज, देखिए जो हनी है ये क्या है, देखिए जो हनी बीज होती हैं, ये करती हैं जो फ्लोवर होते हैं उनके नेक्टर को इकट्ठा करती हैं, और उसी नेक्टर को हम क्या है हनी और रॉयल जेली के नाम से भी जानते हैं। और जो ये हनी है ये क्या है, एक काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल फूड मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। These are the food materials which are obtained from the animals. आप लोग इनको नोट डाउन कीजिए, हम स्टडी कंटिन्यू करते हैं। ओके Your next topic is modes of nutrition. Modes of nutrition. यानी देखिए जो nutrition है, पोषण है, या फिर हम कह सकते हैं देखिए जो पोषण है उसको उसको जो है गेट करने के जो मेथड है वो क्या है, ठीक है। यानी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण के तरीके, यानी जो एनिमल्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देयर आर जनरली फोर टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन योर सिलेबस। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स देखिए द ऑर्गेनिज्म विच मेक their own food are called autotrophs। देखिए ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑटोट्रोफ्स। यानी ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। लाइक ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये सभी क्या है ऑटोट्रोफ्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है क्लोरोफिल मौजूद रहती है, और क्लोरोफिल की हेल्प से ये अपना खाना खुद ही तैयार कर लेते हैं। और इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाता है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज हेटरोट्रोफ्स, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द
their food from other are called heterotrophs. All animals. देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हो और अपना खाना तैयार बनाने के लिए ये दूसरे को पर डिपेंड रहते हो, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहलाते हैं हमारे हेटरोट्रोफ, लाइक अस, जैसे कि हम लोग हैं। देखिए हम लोग भी क्या है, अपना खाना बनाने के लिए, अपना खाना तैयार करने के लिए या तो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है या फिर दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम लोग क्या है, पेड़ पौधों के जैसे अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्टडी। I hope you have done it. देखिए जो हेटरोट्रोफ्स हैं उनको भी क्या है, हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। देखिए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, यानी जो हेटरोट्रोफ्स हैं ये तीन तरह के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। देखिए हर्बीवोर्स आर दोस एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड ओनली प्लांट्स, यानी देखिए ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं वो हमारे हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी कहलाते हैं, यानी फूड obtain from only plants. Example, cow, camel, rabbit, etc. देखिए herbivores यानी शाकाहारी, यानी ऐसे जीव जंतु जो दूसरे पेड़ पौधों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं वो हमारे हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, ऊंट, खरगोश, ये सभी क्या है, हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स यानी मांसाहारी, यानी फूड ऑब्टेन फ्रॉम अदर एनिमल, यानी देखिए ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं वो हमारे कार्निवोर्स यानी मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, बियर, इत्यादि। देखिए ऐसे जीव जंतु जो दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं वो हमारे क्या है, मांसाहारी यानी कार्निवोर्स कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू इत्यादि। ओमनीवोर्स यानी सर्वाहारी, फूड ऑब्टेन फ्रॉम बोथ ए
एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी ऐसे एनिमल जो क्या है अपना खाना देखिए पेड़ पौधों से ही प्राप्त कर सकते हो या फिर जीव जंतुओं से ही प्राप्त कर सकते हो, वो हमारे कहलाते हैं ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी, जैसे कि कैट, डॉग, ह्यूमन इटीसी, जैसे बिल्ली, कुत्ता और मनुष्य, यानी हम लोग भी क्या है सर्वाहारी है, क्योंकि हम लोग भी क्या है देखिए पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनका मांस भी खाते हैं। देखिए आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, और देखिए आपकी जो स्टडी है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, और अगर किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन टॉपिक से रिगार्डिंग, ये किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, तो वो क्या कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। ओके।